दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है उसको याद कैसे करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासों की अपडेट मिलती रहे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम टेबल पर। अब टेबल में हम पहले जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका कोण दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और नीचे की तरफ आपका दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। वहीं दिया है आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। तो अब इस टेबल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 0 दिख रहा है तो 0 के नीचे हम 0 लिख देंगे। दोस्तों इस टेबल को आप बढ़िया से समझेंगे तो आप कभी भी इस टेबल को अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 0 के नीचे हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके आगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और आगे जाएंगे तो 3 आएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 0 हुआ, हमने बताया कि क्रम से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर 0 हमने किया, 1, 2, 3, 4, इतना हो गया ना। अब आपका लास्ट में क्या है, 4 है। अब हम 4 से इन चारों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इधर से कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0/4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से ये 2 में हो जाएगा 2/4 और 3/4, और लास्ट में आपका आएगा 4/4। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसमें कौन सा कट रहा है। कट रहा है का मतलब है कि जैसे दोनों के ऊपर नीचे से कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका 0/4 है तो ये नहीं कैंसिल होगा, और 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 है तो ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर 2/4 है तो 2 से अब कैंसिल हो गया यहाँ पर ना, तो ये हम कर देते हैं, 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे आते हैं तो 3/4 है आपका, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। और हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर 4 है और नीचे भी 4 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जितने भी आपके वैल्यू आए हैं इनका रूट ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, चारों का रूट ले लेना है जो अब वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 आया है, इसका हम रूट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1/4 ही है तो ये आपका रूट में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आई है, इसका हम रूट ले लेंगे तो ये रूट में 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 3/4 का लेंगे तो रूट में 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में हमारा 1 आता है, ठीक है, ये आपका √1 हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा यही वाली लाइन समझनी है, उसके बाद आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम साइन के लिए, ये तो आपका इतना समझना था आपको, अब इसके बाद आपका आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका √0 है, अब √0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 0 की, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर √1/4 है तो √1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ये हो गया आपका 1, और ये अपॉन में है इसलिए हमने यहाँ अपॉन लगा दिया। अब √4 का क्या होता है, 4 में अगर रूट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आया 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं
रूट वन की वैल्यू क्या होगी, वन हो जाएगी, और यहां पर आपका रूट में टू है तो रूट में टू की वैल्यू रूट टू ही होगी, ठीक है। अब यहां पर आ गया साइन 45 डिग्री का मान वन अपॉन रूट टू, ठीक। अब देखते हैं हम आगे, आपका रूट थ्री है और अपॉन में फोर है, ठीक है, तो रूट थ्री की वैल्यू रूट थ्री ही होगी, ठीक है। यहां पर रूट थ्री लिख देंगे और अपॉन में रूट फोर की वैल्यू होती है टू, तो ये हो जाएगा आपका टू। अब यहां पर रूट थ्री अपॉन टू हो गया किसके, साइन 60 के लिए, ठीक है। और हम आगे जाएंगे तो रूट वन है यहां पर, और रूट वन की वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी, ठीक है, तो ये आपका वन हो गया। ये आपका साइन के लिए सभी वैल्यू आ गई 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। अब कॉस के लिए हम देखते हैं, कॉस के लिए यहां से अब आपको करने की जरूरत नहीं है, जो साइन के लिए यहां से हमने वैल्यू लिखी है, अब इसी को इस तरफ से लिख लेना है, बस क्या करना है, जो इस तरफ से वैल्यू लिखी है उसको हम इस तरफ से लिख लेंगे, यही आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, जैसे यहां पर आपका जीरो है तो जीरो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब आता है आपका 1/2 तो इधर हम 1/2 लिख देते हैं, और बीच में आपका 1/√2 है तो इसमें भी हम बीच में 1/√2 लिख देते हैं, और आपका इस तरफ है √3/2 तो ये हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका 1 तो इसमें भी आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आसान था ना, साइन का जैसे था उसका उल्टा हमने कर दिया कॉस के लिए, ठीक है। तो ये आपका साइन का हो गया और कॉस का हो गया। अब देखते हैं हम टैन का, दोस्तों हम टैन के लिए जानते हैं, यहां पर देखिए आप, तो टैन के लिए हम क्या जानते हैं, टैन बराबर होता है साइन बटे कॉस, ठीक है। अगर साइन टैन बटे साइन बटे कॉस साइन सॉरी टैन बराबर अगर साइन बटे कॉस है, तब जैसे हमको टैन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो जो साइन जीरो की वैल्यू होगी और कॉस जीरो की वैल्यू होगी वहां पर हम रख देंगे, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टैन जीरो की वैल्यू निकालते हैं, तो टैन जीरो की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका साइन जीरो है वहां पर जीरो रखेंगे, और अपॉन में कॉस है तो कॉस की जो जीरो की वैल्यू होगी वहां पर वन लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 0/1, ठीक है। अब जीरो यहां पर ऊपर है और अपॉन में है वन, किसी भी चीज से अगर हम भाग देंगे जीरो में तो क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब है कि यहां पर जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो किसकी वैल्यू हो जाएगी, टैन जीरो डिग्री, ये आप ध्यान देना, ठीक है। अब उसके आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अब टैन 30 के लिए हम देखेंगे, तो टैन 30 के लिए अगर हमको देखना होगा तो साइन के लिए पहले देखेंगे उसके बाद कॉस के लिए देखेंगे, जो वैल्यू होगी वहां पर हम रखेंगे। तो यहां पर आपका 1/2 है और अपॉन में √3/2 हो जाएगा, ठीक है। हमने साइन 30 का लिया वैल्यू और कॉस 30 के लिए, ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे 1/2 जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब 2 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया, अब यहां पर देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपकी वैल्यू क्या आई, 1/√3। इसका मतलब है कि अब टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये हो गया टेन 30 के लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं 45 के लिए, देखते हैं टेन के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 1/√2 और 1/√2, अब ये दोनों एक जगह पर हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका 1/√2 हो गया और ये भी आपका 1/√2 हो गया, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हम देखते हैं टैन 60 डिग्री के लिए, अब यहाँ पर देखेंगे साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो √3/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब जो आपका कॉस है उसको लिख लेते हैं, तो ये अपॉन में हो जाएगा आपका 1/2,
अब जैसे यहाँ पर हमने हल किया था, अब इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो टू ऊपर हो जाएगा और वन नीचे आ जाएगा। अब टू से टू कैंसिल होगा तो बची वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट थ्री और ये टेन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टेन 90 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर आपका वन है और बटे में हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो से हम किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब कि अनंत आएगा। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, अनंत आ गई, ठीक है। तो अब ये टेन के लिए हो गया। अब कॉट के लिए हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर साइन के लिए किया था, कॉस के लिए, कि जैसे आपकी साइन की वैल्यू थी तो हमने इसका उल्टा लिख दिया कॉस के लिए, ठीक है। अब इसी में इसी तरीके से कॉट के लिए भी करेंगे। यहाँ पर टेन की वैल्यू जो सीधी लिखी हुई है, अब इसका अपोजिट इस तरफ से लिखते चले आएंगे तो ये आपकी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, जैसे ये आपका ज़ीरो है, यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका वन अपॉन रूट थ्री है, वन अपॉन रूट थ्री इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वन आपका बीच में आ गया तो ये आपका वन हो गया, और रूट थ्री यहाँ पर है तो रूट थ्री अब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इनफाइनाइट है तो इसके स्टार्टिंग में आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टेन के लिए हो गया, कॉट के लिए भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉसेक के लिए। तो कॉसेक के लिए आप जानते हैं कि कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो कॉसेक का इसका अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कॉस जीरो के लिए इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉसेक थर्टी के लिए। तो साइन थर्टी के लिए वन अपॉन टू है तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका कॉसेक थर्टी का टू। अब देखते हैं कॉसेक 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर साइन 45 का है वन अपॉन रूट टू, तो कॉसेक के लिए हो जाएगा रूट टू, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉसेक 60 के लिए। तो यहाँ पर आपका साइन के लिए है कितना रूट थ्री अपॉन टू, तो कॉसेक के लिए हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। ये आपका हो गया टू अपॉन रूट थ्री। अब हम देखते हैं कॉसेक 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर अगर वन है साइन के लिए, साइन 90 के लिए अगर वन है तो कॉसेक के लिए क्या आ जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, और वन का अपोजिट करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉसेक 90 डिग्री के लिए वन हो गया। अब सेक के लिए हम करेंगे क्या, जैसे हमने कॉस के लिए किया, कॉट के लिए किया, ठीक उसी तरीके से हम सेक में भी करेंगे। क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपकी कॉसेक की आई है हम इसको इस तरफ से लिख लेंगे कॉस के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं, ठीक है। दो है यहाँ पर हम दो लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर रूट टू है तो ये आपका रूट टू हो जाएगा, और टू रूट थ्री है तो ये आपका टू अपॉन रूट थ्री है तो यहाँ पर टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और लास्ट में आपका वन है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेबल। आपको समझना क्या था, सिर्फ ये वाली लाइन, अगर आप ये वाली लाइन समझ जाते हैं तो बिल्कुल इजी है ये टेबल बनाना, और आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू जो होती है आपको प्रॉब्लम करती है अब इसके बाद नहीं होगी, अगर आप इसको बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेबल को आप बना कर देखिएगा अपने आप से, जो डाउट होगा एक से दो बार वीडियो फिर से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।